बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है और आज आपको मेरी सारी बातें जो हैं वो याद दिलाएंगी। ये दो वीडियोस आपके सामने, जो मैंने एक हिस्टोरिकल वीडियो कह के आपके सामने रखी थी, और इसके थंबनेल चेक कर लें कि मार्केट 8000 पॉइंट करेक्शन ले सकती है। दूसरे नंबर पर बताया था आपको कि 50 से 70% कैश अपने पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर लें, यानी कि अपना एक्विटीज को कैश में कन्वर्ट कर लें, अपना पोर्टफोलियो 50-70% कैश में लें। आज आपको इन बातों की अहमियत का एहसास हुआ होगा कि भाई बताते रहे हैं, और वाजे तौर पे आपको मैं बताता रहा हूं कि भाईजान आप मरी चले जाओ या फिर आप बिल्कुल ये बंद करके, आप कैश रिजर्व करके आप इधर उधर साइड पे अपना ध्यान लगा लो, मार्केट की तरफ ना देखो। बस ये तहैया कर लो कि मैंने अभी पैसा डालना ही नहीं है, कैश भी मुझे बचत भी आ रही हो, मैंने बचत करनी ही नहीं है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और आपको सब कुछ पता चलेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप वाले खुश थे इस मामले में कि कैश लेके बैठे हुए थे। आज हमने अभी बाइंग से अवॉइड किया, कल मार्केट एक दफा डिप देगी तो वहां पर हम चीजों को बाय करेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके, एवं थोड़ी थोड़ी, ताकि मार्केट की एक सपोर्ट जहां पे वो लेके उठे, वो ग्राफ की तरफ जाएंगे, मैं फिर बताऊंगा, वहां से फिर बताया जाएगा कि लो जी यहां से एंट्री डालो और कुछ ही दिनों में तगड़े प्रॉफिट हासिल करो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ग्रुप्स में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाइसल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीधा चीधा खबरें देख लेते हैं और उसके साथ ही फिर कैंडल की तरफ आते हैं और कुछ मार्केट का तेजी और कल मार्केट कैसी हो सकती है सब कुछ आपको बताया जाएगा। लो जी, आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो आप कुछ ना पूछें कि मार्केट ने कैसा रोलर कोस्टर मार्केट ने दिया। मार्केट ने 99,800 का हाई लगाया और इसके बाद आप देखें 95,000 पे मार्केट आके रुकी, यानी कि तकरीबन 5,000 पॉइंट की का रोलर कोस्टर, लेकिन अपने लो के करीब मार्केट। दो एक अच्छी बात भी है मार्केट में, एक बुरी बात भी है, वो कैंडल पे चल के आपको बताएंगे। देखें, पहला रीजन, मैंने दो रीजन थंबनेल में बताए थे, फर्स्ट रीजन ऑफ दैट के जो प्रोटेस्ट चल रहा है पीटीए की तरफ से, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है पॉलिटिकल साइड पे, जिसको लेके आज इन्वेस्टर्स ने जो है वो डर का, खौफ का जो है वो मुजाहरा किया और आपने देखा मार्केट 4000 पॉइंट माइनस जाके और तकरीबन मार्केट बंद हुई 3500 माइनस में। एक खबर है जी, बस ये है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्जेम्प्ट्स द सर्टेन डिपॉजिट्स फ्रॉम द मिनिमम प्रॉफिट रेट रिक्वायरमेंट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैंडेट 75% प्रॉफिट ऑन द पाक रूपी सेविंग्स फॉर द इस्लामिक बैंकिंग सिचुएशन, जिसकी वजह से आज जनाब आपका मिजान बैंक, आपका फैसल बैंक और बैंक इस्लामी जो है वो फ्लोर लगा गए और मजीद फर्दर भी डाउन हो सकते हैं जब तक कोई इसके अक्रॉस द बोर्ड इसके अगेंस्ट कोई खबर नहीं आती। तो अब कैंडल की तरफ आते हैं। कैंडल देखिए जी, कैंडल आज बड़ी मजेदार सी बनी है। आप देखें, जैसा कि आपको शुरू से गाइड करते आ रहे थे कि भाई ये सूरत हाल है, इसको आप देख सकते हैं, इसको ये आपके सामने मैंने सारी रखी है सिचुएशन, इसको आप देखें, बगौर जायजा लें जरा। और ये देखें जी, मार्केट सुबह खुली थोड़ा माइनस में गई, फिर थोड़ा और माइनस, मार्केट करते करते 600-700 पॉइंट माइनस में गई, उसके बाद एक बड़ा जंप आया। जंप आने के बाद मार्केट जो है 2300 पॉइंट माइनस हो गई, जिसमें के रैली बनाई बैंक्स ने, जिसमें UBL, उसके बाद MCB, HBL सब तकरीबन 70% बैंक्स कैप, और इसके बाद जो है वो मिजान, फैसल और इसके साथ जो बैंक इस्लामी वो फ्लोर पे, और फर्टिलाइजर में भी कुछ तेजी है, मार्केट थोड़ी हिली, लेकिन मार्केट 5-10 मिनट ही वहां पे ठहर नहीं सकी। ये देखिए, मार्केट ने टॉप लगाया जी 99,800 का, पिछला जो था वो 99,780 के करीब था, यानी कि बमुश्किल 20-30 पॉइंट्स ऊपर गई, यानी कि एक दफा हाई लगा दिया मार्केट ने अपना, जो एवर हाई है, डबल टॉप आप हायर हाई भी कह सकते हैं, वो लगा दिए, ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो नेगेटिव बात है, मार्केट ने जाके क्लोजिंग दी अपने लो के करीब करीब, ठीक है, जो आज का इसने लो लगाया तकरीबन 95 के करीब।
तो मार्केट देखें दोस्तों, तकरीबन 1 लाख अगर मार्केट ने इंडेक्स लगा दिया है तो 95 पे आ गई, 5000 की तो करेक्शन हो गई ना, आगे रह गई 2 या 3 हजार पॉइंट की, जो आपको 8000 का टारगेट दिया था, देखें मार्केट पूरा करती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे आपको ये बताया था कि मार्केट नवंबर के आखिरी वीक में रोलर कोस्टर परफॉर्म कर सकती है, सीट बेल्ट बांध लें, थंबनेल में जैसा कि आपको दिखाया है, और देखें मार्केट ने आज रोलर कोस्टर ही दिया, 2500 पॉइंट ऊपर और 4000 पॉइंट नीचे, यानी कि 5000 पॉइंट की आई रेंज बनाई एक रोलर कोस्टर की। उसके बाद आपको कहा था कि 50 से 70% अपना पोर्टफोलियो को कैश पे लें, तो आज तो मजे हुए, हमने मजे किए क्योंकि हम तो कैश रख के बैठे हुए थे, हमें पता था मार्केट हाई साइड पे है, ये बहाने बनेंगे, जैसे प्रोटेस्ट का बहाना है या फिर ये बैंक की नेगेटिव न्यूज आई उसका बहाना है, ठीक है ना, और एक ओवरबोर्ड टेरिटरी का बहाना है, तो मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, ये बहाने हैं, मार्केट करेक्शन ने ले लिया, कल भी मजीद इस मोमेंटम को जारी रख सकती है मार्केट, अगर कोई ना कोई बीच में कोई सुलह सफाई वाला मामला कुछ ब्रेक थ्रू आ जाता है तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेगी और कल मॉर्निंग में जंप कर सकती है, अदरवाइज अगर ये मामला कल भी चलता है तो मार्केट मजीद 2500-3000 पॉइंट नीचे आ सकती है, और जो है फिर मार्केट को देखेंगे कि क्या मार्केट किस जगह पे लेग लगाती है और क्या मामला बनता है, ठीक है। 93,000 एक बेसिक सपोर्ट मार्केट की हो सकती है, इसको आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो है जी अपना, अभी भी आप अपना कैश जो है ज्यादातर होल्डिंग में रखें, कल हम देख के प्राइसेस को और मार्केट की सिचुएशन देख के आपको आगाह करेंगे, अपने ग्रुप्स में जो हमारे क्लाइंट भी हैं उनको साथ साथ बताया भी जाएगा कि भाई अब ये चीजें ओवरसोल्ड हो चुकी हैं, यहां से इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं या मार्केट अभी मजीद कितना करेक्शन ले सकती है, ठीक है। चार स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी तकरीबन करेक्शन ले चुके हैं और अब इस वक्त अच्छे यानी के रेंज में आ चुके हैं, कल मजीद अगर थोड़ी सी करेक्शन लेते हैं तो ये रीबाउंड हो जाएंगे, मारी पेट्रोलियम, FFC, अटक रिफाइनरी, HBL। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल, खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है, दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त हमेशा आज अल्लाह।